Calvin, now I'm kneeing to my belly flow. From up north, we get cold, you need a heavy. So good morning guys and welcome back to my YouTube channel. So आज है संडे और टाइम अभी हो गया है 7:40. आप लोग देख सकते हैं और मेरे साथ में है संग्राम भाई और हम लोग निकल चुके हैं और एक राइड पे. और आज राइड का पार्ट चीता और सत्या नहीं होंगे कि उन लोगों का कुछ काम है तो हम दोनों जा रहे हैं. और मौसम बारिश तो लग रहा है होगा लेकिन अभी फ़िलहाल कड़क धूप है. और हम लोग आज जो राइड कर रहे हैं वही 120 से 150 किलोमीटर के आसपास होगा. और हम लोग जा रहे हैं माँ भट्टारिका टेम्पल जो कि नरसिंहपुर में है, नरसिंहपुर से थोड़ा सा आगे. आते आते हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं गाँव के बीचों बीच. सो दिस इज मैदरपुर चौक और यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट जाएंगे तो कटा भुवनेश्वर वाला रास्ता है और यहाँ से हम लोग जाएंगे राइट जो कि बड़म्बा नरसिंहपुर का रास्ता. चले संग्राम भाई. तो यहाँ पे चाय ब्रेक के लिए रुके हैं नरसिंहपुर में और मेरा चाय अभी चाय पियेंगे फिर निकलेंगे. चलो तो अभी पंगा ये है हम लोग थोड़ा गलती कर लिए. कभी नहीं हुआ है. तो हम लोग एक्चुअली जाने वाले थे मैदरपुर चौक से एक्चुअली लेफ्ट जाके फिर राइट जाना था. तो हम लोग मैदरपुर चौक से सीधा राइट कट लिए. तो ये वाला अनुगुल के लिए जाता है रास्ता. तो गूगल मैप में खोला नहीं था तो गूगल मैप खोला तो देखा कि अनुगुल दिखा रहा है. तो हम लोग अभी यहाँ से यू टर्न लेके फिर जाएंगे मैदरपुर चौक और उधर से जाएंगे नरसिंहपुर के लिए. अभी हम लोग सही रास्ते में आ चुके हैं. गूगल मैप भी सही बता रहा है. भाई नज़ारा देख रहे हो मतलब क्या कहना भाई, इतना खूबसूरत नज़ारा. तो अभी यहाँ से निकलते हैं और 60 किलोमीटर जाना है. संग्राम भाई के हाथ में देख रहे हो कि नहीं, ऐसे नया एक स्टिक है और उसमें गोप्रो लगा है क्योंकि आगे घाटी वाला रास्ता चालू होगा. इसीलिए सब प्रिपरेशन यहाँ से कर रहे हैं और यहाँ से निकलेंगे. अभी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है क्योंकि संग्राम भाई का चश्मा गिर गया और ये कैमरा जो मेन कैमरा था ये भी थोड़ा हाथ से फिसल गया था लेकिन मैं पकड़ लिया. और अभी आगे निकलते हैं. सुपर सराय कैसा है? सुपर चले. सो ट्रैवल करते करते देखिए हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं. एकदम जंगल के बीचों बीच खड़े हैं. यहाँ से घाटी वाला रास्ता चालू होता है और संग्राम भाई और मैं यहाँ पे खड़े हैं.
कोई भी नहीं है। रास्ता देखिए एकदम टनाटन है। जस्ट मोहिदरपुर से कितना, वही 5-7 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 किलोमीटर आके ये वाला रास्ता मिलता है, और एकदम बढ़िया रास्ता है। और मौसम बढ़िया हो गया है, जो धूप था घर से निकलने के टाइम पे वो धूप नहीं है। अभी बारिश होने वाला जैसा लग रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। और कुछ नहीं चाहिए, बस यही वाला मौसम चाहिए। हम लोग राइड कैसे ख़त्म करके घर निकल जाएं। वहाँ पे ये जो देख रहे हैं वो माता का मंदिर है, एकदम घाटी से थोड़ा 10-15 किलोमीटर आने के बाद पड़ता है, और ये वाला रास्ता जाता है नरसिंहपुर के लिए। सो भाई जी कैसा लगा जगह? बहुत बढ़िया भाई, A1 जगह है, जरूर आइए ये वाला जगह पे, ज़्यादा दूर नहीं है। तालचेर अनुगुल से जो लोग बिलोंग करते हैं ज़्यादा दूर नहीं है। और भाई नज़ारा देख लो, एकदम जंगल, घना जंगल, और बीच में माता का मंदिर है वहाँ पे। और हम लोग इसीलिए रुके हैं, और यहाँ पे बारिश होके जा चुका है, इसीलिए मौसम एकदम चिल्ड हो गया है। आगे जाके आपको व्यू पॉइंट भी दिखाते हैं, एक अच्छा व्यू दिखता है वहाँ से। माता का दर्शन करके यहाँ से निकलेंगे, और उधर ही माता का मंदिर है। और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं भाई, क्या जगह है, औसम जगह है। संग्राम भाई कैसा है? बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है। तो हमारा ग्रुप आज आ नहीं पाया, संग्राम भाई और मैं आए, और चीता सत्या आते तो और भी मज़ा आता। ऐसी ऐसी जगह है हमारा उड़ीसा में, और स्पेशली हमारे आसपास, हम लोग ये वाला जगह नहीं एक्सप्लोर किए थे। तो हमारा एक छोटा भाई है रश्मि, अगर ये वीडियो देख रहा है तो थैंक यू वेरी मच सजेस्ट करने के लिए ये वाला जगह। आगे तो भाई नज़ारा देख लो, मतलब कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है जितना खाली आंख में आप लोग देखेंगे। और कैसा है भाई? बहुत बढ़िया है। तो बस भाई साहब बोले वहाँ पे थोड़ा सा आगे और एक जगह है देखने के लिए, अच्छा व्यू मिलता है वहाँ पे, तो उधर चलेंगे। फर्स्ट टाइम में ये होता है, तो थैंक यू वेरी मच भैया। सो आगे चलते हैं, आगे फिर नरसिंहपुर कितना दूर यहाँ से? 8 किलोमीटर, तो मतलब और 30-35 किलोमीटर दूर है। और हम लोग लेकिन ये राइड एंजॉय कर रहे हैं, इतना बढ़िया जगह है। सो फाइनली उस पॉइंट से इस पॉइंट आने में बस कितना, 5 मिनट ही लगा होगा। और गाइज नज़ारा देखो, मतलब क्या बोलेंगे, जितना भी बोलेंगे कम है, औसम जगह है भाई। और बस और 38 किलोमीटर्स जाना है हम लोगों को, और जाके रिटर्न भी करना है शाम से पहले। अभी तक तो ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है ढंग का, चाय भाई जो पिए थे क्यों भाई? तो और कुछ भाई लोग हैं हमारा वहाँ पे, उनका भी चल रहा है टाइम लैप्स है, टाइम लैप्स चल रहा है। तो भाई का भी यूट्यूब चैनल है, भाई बता दो क्या है? संतोष मिश्रा ओडिया ब्लॉग।
ओडिया में है तो संतोष मिश्रा ओडिया ब्लॉग्स, ओडिया ब्लॉग ओडिया में ही है, ओडिया चैनल है, भाई को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच हमको फॉलो करने से, और भाई को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। तो चल रहा है काम, तो अभी जारी है, दो एक ही कम्युनिटी से अगर कोई मिल जाए तो अच्छा लगता है। अभी हम लोग बहुत अच्छा जगह है, आप लोग आइए घूमिए, मस्त लगेगा एकदम, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, जितना देखोगे उतना कम होगा। चलो भाई थैंक यू, थैंक यू भाई। सो मिलते हैं आगे, बस टाइम लैप्स खत्म हो जाए यहाँ से। मौसम अभी सही हो गया है, एकदम बारिश का मौसम हो गया है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे खड़े थे तो बहुत गर्मी लग रही थी, ह्यूमिडिटी था, लेकिन यहाँ पे भाई ऐसा कुछ नहीं है। अभी नीचे उतर रहे हैं और पूरा पसीना गायब हो गया है, और भाई ठंड भी लग रहा है, और नज़ारा भाई देख लो, एकदम कुछ भी गाड़ी ट्रैफिक कुछ नहीं है। प्लानिंग कर रहे हो तो आओ जरूर, भट्टारिका आओ, भट्टारिका हम लोग जा रहे हैं, मेरा पहली बार है ये वाला रास्ता, हम लोग नहीं कभी किए थे ये वाला रास्ते पे, नहीं जॉइनिंग किए थे, तो संग्राम भाई का भी ये पहली बार है, नहीं संग्राम भाई पहली बार, तो हम लोग बस दो भाई अभी निकल रहे हैं यहाँ से, जा रहे हैं माता के प्लेस में भट्टारिका टेम्पल, देखते हैं वो वाला नज़ारा आपको भी दिखाएंगे, सुने हैं बहुत माता के बारे में, और बस निकल रहे हैं यहाँ से नज़ारा को एंजॉय करके, और भाई A1 और घाटी वाला रास्ता में भाई हमारा सही से चला रहे हैं गाड़ी। सो ऑलमोस्ट हम लोग नीचे उतर चुके हैं, बस थोड़ा सा ही दूर रह गया, और यहाँ से जाके पहले एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करेंगे, पेट पूजा करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। संग्राम भाई कुछ नहीं खाए, बार बार पूछ रहे हैं कि ब्रेकफास्ट कब करना है। सो बस देख रहे हैं, हम लोग नीचे उतर चुके हैं, और रास्ता एकदम टनाटन है, बढ़िया रास्ता है, संग्राम भाई गाड़ी चला रहे हैं। तो सारा है, कैसा लग रहा है ये वाला? बहुत बढ़िया भाई। तो चित्तू बेकार कर दिया यार, मिस कर दिया चित्तू मिस कर दिया, संग्राम भाई भी कह रहे हैं मिस कर दिया, तो देखेंगे आगे प्लानिंग करेंगे, अभी हम लोग आ गए, फिर नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। तो हम लोग अभी नरसिंहपुर पहुंच गए हैं, एंड दिस इज़ द टाउन, कुछ बढ़िया सा खाना मिल जाएगा तो यहाँ से खाना पैक करके ले जाएंगे उधर, माँ का दर्शन करके, फिर नदी के पास शायद मंदिर है तो हम लोग उधर बैठ के खाएंगे। तो इसीलिए हम लोग एक्चुअली अभी ढूंढ रहे हैं कहाँ बढ़िया खाना मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पर ख़त्म कर लिए, अभी सीधा चलते हैं मंदिर, अगर होगा तो चाय कहीं पर पियेंगे, एक टेंशन ख़त्म हो गया, थोड़ा अंदर गया और भाई की दुकान से खाए यहाँ पे। स्माइल तो कर दो भाई, हेलो बोल दो, हेलो हेलो। तो बस निकलते हैं यहाँ से, तो चाय पी रहे हैं भाई से, तो नरसिंहपुर का फेमस चाय है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हमारे डेस्टिनेशन पे, माँ भट्टारिका टेम्पल, एंड दिस इज़ द एंट्रेंस। तो हम लोग अभी गाड़ी हमारे यहाँ पे पार्क कर दिए, और संग्राम भाई हेलमेट को लगा रहे हैं अपने स्टैंड पे, अभी जाएंगे अंदर, चले भाई। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वो जगह पे जिसके लिए हम कष्ट किए थे, सुबह से राइड किए थे, दैट इज भट्टारिका टेम्पल, और पीछे महानदी रिवर, कुछ लोग नहा रहे हैं, और भाई A1 जगह है,
आप लोग जरूर आइए वाला जगह पे। फिलहाल कोई नहीं है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे माँ का पूजा अभी चल रहा था, इसलिए मंदिर का दरवाज़ा बंद किए थे। हो सकता है अभी हम दर्शन कर पाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। संग्रह भाई मना कर रहे हैं कि खाली दर्शन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, करते हैं दर्शन। तो संग्रह भाई कह रहे हैं नहीं, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम दर्शन कर लो जाके। तो मैं पहले पूछता हूँ कि अंदर छोड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि कोविड का अभी टाइम है, बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे। तो मैं जाता हूँ। और संग्राम भाई, कैमरा तुम्हारे हवाले अभी। माता का बढ़िया से दर्शन कर लिए अभी। मैं दर्शन किया, संग्राम भाई अंदर गए नहीं। यहाँ पे एक वॉच टावर टाइप का है यहाँ पे, और यहाँ से आप नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा अभी बैठेंगे, वेट करेंगे, अगर होगा तो कुछ प्रसाद मिलेगा तो वो करके निकलेंगे। अदरवाइज़ थोड़ा अभी बाबा से बात हुआ, वो बोले कि पहाड़ के ऊपर जाओगे तो और बढ़िया बढ़िया नज़ारा है देखने के लिए, जाएँगे ऊपर। और गए इस जगह, यहाँ पे बैठने के लिए बढ़िया एक मंडप टाइप का बनाया गया है। और अभी प्रसाद की बात चल रहा था, तो माता का आशीर्वाद है हमारे ऊपर और प्रसाद मिल गया हमको। कृपा है बस माँ का कि प्रसाद मिल गया, बाबा ने दिए। एंड जय माता दी, जय माता दी। तो प्रसाद मिल गया, अभी निकलते हैं यहाँ से। संग्राम ही मना कर रहे हैं ऊपर अभी जाने से, तो और एक बार कभी प्लानिंग करेंगे। क्या बोलते हो भाई, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि तो बहुत गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारा टाइम लैप्स चल रहा है अभी। सो दिस इज़ द मेन टेम्पल, और ये वाला सीढ़ी जाता है पहाड़ के ऊपर। और हम लोग अभी फिलहाल ऊपर चढ़ रहे हैं, और संग्राम भाई तो बिल्कुल ही मना कर रहे हैं कि नहीं ऊपर नहीं जाते हैं, क्यों बहुत धूप है। और यहाँ पे कुछ रोशनी चल रहा है, प्रसाद बन रहा है शायद ना, तो थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो संग्राम भाई कब से आलसी बन गए हैं पता नहीं, और हम लोग बस चढ़ रहे हैं अभी। अच्छा हुआ चितू आया नहीं, नहीं तो वो तो सीधे ही मना कर देता पहले। बाबा तो बोला कि 10 मिनट का रास्ता है, आप लोग पहली बार आए तो ज़रूर जाइए वाला जगह पे, क्योंकि ऊपर से व्यू कुछ अलग टाइप का है और अच्छा दिखता है व्यू। हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन चढ़ाई पूरा स्टीप है, तो सांस फूल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी उससे भी ज़्यादा। सो फाइनली यहाँ पे शायद कुछ चढ़ाई ख़त्म हुआ है, कुछ मंदिर है शायद, वहाँ पे भी एक मंदिर है। नंगे पैर जा रहे हैं तो चुभ रहा है पूरा। एंड यहाँ पे भी छोटा सा मंदिर है। यार बहुत गर्मी है, मतलब पसीने से नहा चुके हैं हम लोग। और बाबा बोले कुछ मीनार टाइप का बना है पता नहीं कहाँ पे, पहले कंट्रोल में हो जाए सांस फिर बात करते हैं। तो और एक मंदिर है नीचे, तो संग्राम भाई जा रहे हैं। तो चारों तरफ छोटा छोटा मंदिर है यहाँ पे, और मिडिल में नीचे माता है, दिस इज ए स्मॉल टेम्पल। सो फाइनली डिसाइड ये किया और ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम दोनों अकेले हैं और घना जंगल है भाई चारों तरफ, और इसीलिए हम लोग डिसाइड किए नहीं जाएंगे। और बहुत गर्मी है मेन चीज़ है, और बहुत उमस है, तो बहुत ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसीलिए पूरा पसीने से नहा चुके हैं, तो इसीलिए डिसाइड कर रहे हैं
नीचे जाएंगे, घर भी जाना है ऑलमोस्ट 110-120 किलोमीटर। तो इसी नोट पे वीडियो को एंड कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन है जरूर दबा देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे मिलते हैं किसी ऐसे बढ़िया वीडियो में। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, जय माँ भटारिका। फाइनली अलविदा का टाइम आ गया, माता को छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। चले भाई, बहुत गर्मी है।